जय श्री हरि विष्णु। न श्रेण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतम् परम् सत्यम् सत्यम् हि लोकेश तेषां स्वामी सदायमः। अर्थात जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं, अतः वे सदैव ही यमराज के वश में रहते हैं, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हमने आपको युधिष्ठिर के अपने पौत्र परीक्षित को राज्य देकर पांचों भाइयों और पत्नी सहित जीवन की अंतिम यात्रा पर निकलने की कथा सुनाई थी। आज की प्रस्तुति में हम आपको पांडवों की स्वर्गारोहिणी यात्रा अर्थात मृत्यु की कथा सुना रहे हैं। भागवतम में आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी श्री शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक जी, जब युधिष्ठिर ने अपने अंतिम समय में अपने भाइयों और पत्नी सहित समस्त भारत की यात्रा की तो उनके मन में सशरीर स्वर्गलोक जाने की इच्छा हुई। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड के लिए प्रस्थान किया। जब वे सभी अपने मार्ग पर चल रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड के अनेकों स्थानों को पार करते हुए बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुँचे। बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने सरस्वती नदी को पार करना चाहा, लेकिन नदी का वेग बहुत था जिससे उनको नदी पार करने में कठिनाई हो रही थी। तब भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर नदी के ऊपर एक पुल की तरह रख दिया जिससे सभी भाइयों और द्रौपदी ने सुगमता से नदी को पार किया और अपने मार्ग पर निकल पड़े। महाबली भीम के द्वारा यहाँ पर शिला रखने के कारण ही इस स्थान का नाम भीम शिला पड़ा। आगे बाला सुंदरी आनंद वन में चलते हुए द्रौपदी गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस पर महाबली भीम ने अपने भाई युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राता श्री, द्रौपदी क्यों गिरी और क्यों इसकी मृत्यु हो गई, जबकि हम सभी सशरीर ही स्वर्ग जाने की अभिलाषा किए हुए हैं। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीम, द्रौपदी हम सबकी पत्नी थी, लेकिन इसका प्रेम अर्जुन के प्रति सबसे ज्यादा था, इसीलिए यह सशरीर स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकी और यहाँ पर गिरकर इसकी मृत्यु हो गई है। फिर आगे की यात्रा करते हुए वे लक्ष्मी वन पहुँचे जहाँ पर नकुल भी फिसलकर गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस पर फिर महाबली भीम ने अपने भाई युधिष्ठिर से पूछा कि हे भ्राता श्री, यहाँ पर नकुल क्यों गिरा और क्यों उसकी मृत्यु हो गई? तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीम, नकुल हम सबसे सुंदर और रूपवान था, लेकिन उसे अपने इस रूप पर बहुत अभिमान था, इसी के कारण वह भी सशरीर स्वर्ग तक नहीं चल पाया और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। फिर चारों भाई अपने मार्ग पर आगे चलकर सहस्रधारा नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सहदेव की भी मृत्यु हो गई। तब फिर भीम ने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा और तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि हे अनुज भीम, सहदेव अपने को अत्यधिक विद्वान समझता था, इसी दोष के कारण उसकी भी यहीं पर मृत्यु हो गई है। इसके बाद वे वहां से आगे की यात्रा करते हुए चक्रतीर्थ पहुंचे जहां पर अर्जुन भी गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस पर फिर महाबली भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे भ्राता श्री, क्या कारण है कि अर्जुन भी आगे का मार्ग तय नहीं कर पाया और यहां पर ही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया? तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रिय भीम, अर्जुन को अपने धनुर्धर होने का इतना अधिक अभिमान था कि उसने कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध को एक ही दिन में समाप्त करने की बात कही थी, परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। उसके इसी अभिमान के कारण वह भी सशरीर स्वर्ग की यात्रा नहीं कर पाया और यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उसके बाद दोनों भाई युधिष्ठिर और महाबली भीम अपने मार्ग पर आगे चले जा रहे थे
कि आगे एक सतोपंथ नामक पुण्य सरोवर आया, जहां पर महाबली भीम भी गिर पड़े और मृत्यु के निकट पहुंच गए। इस पर फिर भीम ने अपने भाई युधिष्ठिर से पूछा कि हे मेरे धर्मराज भ्राताजी, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई पाप नहीं किया, परंतु फिर भी मैं मृत्यु के दरवाजे पर स्थित हूँ, ऐसा क्यों हुआ? तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रिय भीम, तुमने कोई पाप तो नहीं किया, परंतु तुम बहुत अधिक खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते रहते थे, इसी कारण तुम भी सशरीर स्वर्ग की यात्रा नहीं कर पाओगे और यहीं पर ही अपना शरीर त्याग दोगे। सूत जी श्री शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक जी, इस प्रकार युधिष्ठिर के कहते ही महाबली भीम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर आगे के मार्ग में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही अकेले चल पड़े और उनके पीछे वह कुत्ता भी चल रहा था, जो कि इस पूरे यात्रा मार्ग में उनके पीछे पीछे चल रहा था। लंबी यात्रा करते हुए युधिष्ठिर चंद्रकुंड, सूर्यकुंड और फिर विष्णुकुंड पहुँचे। विष्णुकुंड से उन्हें स्वर्गारोहिणी मार्ग की सीढ़ियां दिखाई दे रही थी और वे उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए स्वर्गारोहिणी की अंतिम सीढ़ी पर पहुँचे ही थे कि देवराज इंद्र स्वयं ही अपना रथ लेकर वहां पहुँच गए। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने धरती की यात्रा कर ली है, अब आप हमारे रथ में बैठ जाइए, हम आपको स्वर्ग तक स्वयं ही लेकर जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे इंद्रदेव, आपको मेरा नमस्कार है, मेरे साथ मेरे चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और हमारी पत्नी द्रौपदी सभी साथ ही चल रहे थे, लेकिन मृत्यु होने के कारण वे सभी पीछे मार्ग में पड़े हुए हैं। कृपा करके कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे वे भी स्वर्ग में पहुँच जाएं। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे धर्मराज, तुम उनकी चिंता मत करो, वे अपना शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं। इंद्रदेव की बात सुनकर वे प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज इंद्र, मेरे साथ यह कुत्ता भी चल रहा है, मैं इसे भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता हूँ, अतः मेरे साथ इसको भी आप अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले चलिए। परंतु देवराज इंद्र ने कहा कि हे धर्मराज, यह कुत्ता स्वर्ग चलने का अधिकारी नहीं है, अतः हम इसे अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं, केवल आप ही हमारे साथ स्वर्ग चलने के अधिकारी हैं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि हे महाराज, अगर यह कुत्ता आपके साथ नहीं चल सकता तो मैं भी आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे इस मार्ग में यह हमारे साथ ही है, इसे मैं कैसे अकेला छोड़ दूं, अतः कृपा करके आप लौट जाइए, मैं स्वयं ही इस कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। जब काफी समझाने के बाद भी युधिष्ठिर नहीं माने तो स्वयं यमराज ही प्रकट हो गए, जो कि कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, मैं ही स्वयं कुत्ते के रूप में आपके साथ साथ चल रहा था और आपने अपने अंतिम साथी के रूप में मुझे भी स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र से आग्रह किया, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में अनेकों धर्म कार्य किए और सदैव ही अपने धर्म का अनुसरण किया, इसी कारण आज आप सशरीर स्वर्ग पहुंचने जा रहे हैं। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो गए और देवराज इंद्र के साथ रथ में बैठकर सशरीर स्वर्ग में पहुंच गए। तो यह थी पांडवों की सशरीर मृत्यु अर्थात स्वर्गारोहिणी यात्रा की एक छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।